हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और तो चलिए इसको कैसे बनाया मैंने देखते हैं। तो यहाँ रख ली हमने एक कढ़ाई, आप पैन कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। और आधा कप लिया है हमने देसी घी, ये मैंने मेजरिंग कप से मेज़र किया है। तो आधा घी हम अभी डालेंगे और आधा घी जब हम बेसन डालेंगे तब डालते जाएंगे। तो 1.5 कप लेंगे हम बेसन। डेढ़ कप बेसन है और आधा कप है देसी घी। तो हम बेसन को भूनेंगे, स्लो फ्लेम पर भूनना है हमें बेसन को। अब गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है और स्लो फ्लेम पर ही 30 मिनट तक भूनना है। तो अब जो देसी घी हमने बचा कर रखा था उसको डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और बेसन को भूनते जाएंगे। जो लम्स हैं उसे फोड़ लेंगे हम, फिर से डालेंगे हम घी। और ये देखिए बेसन को भूनते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, इस फॉर्म में आ गया है। तो टोटल 30 मिनट हमें भूनना है। तो ये देखिए बेसन को भूनते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और बेसन में अच्छी सी खुशबू भी आ गई है और भुन चुका है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर, हम इसको ठंडा होने के लिए। तो बेसन का जो मिक्स था उसको हमने रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है। बस हल्का सा वॉर्म होना चाहिए, यानी हल्का सा गर्म होना चाहिए। और 1 कप लिया है हमने ये शक्कर, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतना शक्कर इसमें डाल लें, बट इतना परफेक्ट है इसमें डाल मीठे के लिए। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें शक्कर को। तो अब इसमें डालेंगे मेलन शीट्स, खरबूजे के बीज। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो। तो मिक्स कर लेंगे और अब इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों से इसको अच्छे से लड्डू बनाते जाएंगे, इसको लड्डू का शेप देते जाएंगे। बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाएंगे। जिस मेजरिंग से मैंने बनाए हैं उसी तरह आप बनाएंगे तो आपके भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेंगे। तो ये देखिए हमने एक लड्डू तैयार कर लिया है। तो इसी तरह हम सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल हलवाई वाले जो होते हैं उसी तरह बने हैं। तो अब इस पर हम लगा लेंगे 1-1 काजू। आपके पास पिस्ता हो पिस्ता लगा लें, या फिर आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं क्योंकि ऐसे भी इसका टेस्ट तो वही आएगा। तो ये हमारे सभी बेसन के लड्डू अच्छे से हमने गार्निश कर लिए हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए जब भी आप ट्राई कीजिएगा कि कैसी लगी आपको। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।